स्टूडेंट्स आज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का चैप्टर 5 जिसका नाम है रेजोनेंस इन आरएफएस। तो पहला टॉपिक है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसको डिफाइन किया गया है कि फ्रीक्वेंसी एट द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स विल बी इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स इन सीरीज आरएफएस एट दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज जिसके लिए एक सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके लिए एक सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर इंडक्टिव रिएक्शन सक्सेस की वैल्यू जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस सक्सेस के बराबर है उसको क्या कहेंगे उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उसको जो है किससे करते हैं एफआर से और मेजर किससे करते हैं एमजेड से।
के लिए बात करेंगे कि एसी वोल्टेज फैक्टर भी आप सुना है पास कर लो तो कितना सीमा अप्लाइड अक्रॉस सीरीज आरएलसी सर्किट बाय द इक्वेशन ऑफ कितना फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी में क्या होता है एक सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर जब फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी के इसके लिए सब इसके तो नंबर आ गया बाय द इक्वेशन ऑफ कितना फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेशन कम करा कर देता है यह एक्सेल पे आता है और ये एंड पे एक्सेल आ रहा है एक्स के ऊपर का और नंबर में मैं कुछ सीख रहा हूं यह मैंने फ्रीक्वेंसी को पे ओमेगा को कैलकुलेट करने का है नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर की टोटल वैल्यू पर एल आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की टोटल वैल्यू पर एल ओमेगा एल पर 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 एल इस कॉम्प्लेक्स को तो कॉम्प्लेक्स कौन सा फॉर्मूला रेक्टेंगुलर जो का फॉर्मूला फॉर्म क्या हो जाएगा आर प्लस सी जीरो क्योंकि एक्स एल माइनस एक्स सी की जो एक्स स्क्वायर इज जीरो और जे के साथ में क्या है ये एन जी के साथ ये चेंज कर रहे हैं एक्स की वैल्यू फिर इस तरीके से हम इसको पोलर फॉर्म में लिख देंगे कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में आ रहा है जी in this case we got a change is equal to of the circuit is not dependent on the circuit the lesson is not that the number of the circuit is over the number of the circuit is over 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 the सीरीज
एक्सिस और एक्सेल ऑफ एक्सिस की वैल्यू सेम होगा रिजिडेंट कंडीशन में, इसलिए हमारा डिवीजन मिस होगा। ये एंगल पर क्लिक करके रिजिडेंट कंडीशन में वीडियो आप देख सकते हो पूरी रजिस्टर की तरह ये कर रहा है, वीडियो रजिस्टर की तरह कर रहा है। ये एक लोकल आगे सप्लाई वीडियो सपोर्ट करता है, इसको ज्यादा अच्छी तब आएगा इस तरह की रिजिडेंट कंडीशन। नेक्स्ट होते हैं पावर कट,
factor que va a estar determinando el Q factor absoluto de su centro. El Q factor que está determinando el Q factor de su centro. El Q factor que está determinando el Q factor de su centro. Porque el momento de su centro. Pero si ya saben, no tienen los problemas, ¿no? En el momento. Y factor que tiene que ser la base de la factor que tiene que ser la base de 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 la base Next up,
ये आपका रेजिमेंट्स इन आरएमएस नेक्स्ट आपका पैरेलल रेजिमेंट्स उसको नेक्स्ट कल के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे आज आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं रेजिमेंट्स फ्रीक्वेंसी क्या बताया है रेजिमेंट्स फ्रीक्वेंसी आपको बताया है फ्रीक्वेंसी एट विच इंडक्टिव रेजिमेंट्स एक्सएल विल बी इक्वल टू द एक्सएल विल बी इक्वल टू द